स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमें बताना है कि इनमें से समीकरण कौन से संगत है, कौन से असंगत, और जो संगत हैं फिर उनका हमें ग्राफीय हल भी देखना है। अब देखेंगे, पहले हम इसमें क्या करेंगे, a1 बटे a2 निकालेंगे। इसका a1 हमारे पास 1 है और a2 यहाँ से 2 है। अब b1 बटे b2 निकालेंगे, b1 बटे b2, b1 1 है, b2 2 है, ठीक है। अब हम c1 बटे C2 लेंगे, C1 5 है और C2 2 10 है, 5 × 5 = 10, ये भी हमारे पास क्या आएगा, 1/2, अर्थात A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो ये कौन सा आ गया हमारे पास, ये संगत हो गया। क्या हो गया, संगत, ठीक है। इसका हल हम देखेंगे, उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, A1/A2 क्या है, 1/3, फिर B1/B2 देखेंगे हम, B1 कितना है, -1 और B2 -3, यहाँ से नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा, 1/3 ये बच गया हमारा। अब C1/C2 यदि हम देखते हैं, C1 है हमारे पास 8 और C2 है 16 है, 8 × 8 = 16, अर्थात 1/2 आ गया। यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, 1/3 × 1/3 है, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये हमारे पास क्या आ गया, असंगत आ गया और हमें इसका हल नहीं देना है, ठीक है, निकलेगा ही नहीं, हम देंगे कहाँ से। और आज ये कॉपी इसलिए ली है कि ग्राफ कॉपी है, ग्राफ आप इसी कॉपी पे अच्छे से समझेंगे, इसलिए इसको लिया गया है। अब ये लेंगे हम A1/A2 तीसरे भाग का, A1 है 2, A2 है 4। अब B1/B2 लेंगे, ये कट जाएगा, 2 × 2 = 4, 1/2। यहाँ से B1 क्या है, 1, और B2 क्या है, -2। अब यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 1/-2, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये हमारे पास क्या हो गया, संगत हो गया। इसका एक हल है, ये हमें करना है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, A1/A2 किसके बराबर है, 2/4, तो 1 × 2 = 4, ठीक है, 1/2। और B1/B2 किसके बराबर आया है, B1 है -2, B2 है -4। अब नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा, 2 × 2 = 4, 1/2 फिर आ गया। अब C1/C2 भी हम देख लेते हैं, C1 है हमारे पास -2/-5, नेगेटिव से नेगेटिव, 2/5। अब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये भी मेरे पास क्या आ गया है, असंगत आ गया है। इसका भी हल हमें नहीं निकालना है। अब पहले भाग का और तीसरे भाग का हल हमें निकालना है, अभी निकाल कर देखते हैं। प्रश्नावली 3.2 में तो जो भाग हैं वो हमारे संगत आए हैं, अब उनके हमें हल ज्ञात करने हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं, x बराबर यहाँ क्या बच जाएगा, 5/y। अब x और y के हम मान निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, 3 मान हम निकालेंगे। यदि y किस गए हम क्या रखें, 1 रखें तो 5 में से 1 गया, x 4 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 2 आ गया, ये बिल्कुल आसान था। अब यहाँ से 2 से भाग दे देंगे हम इसे, हमारे पास बच गया x + y = 5, बिल्कुल यही समीकरण बचा है। तो यहाँ भी x बराबर 5/y हमारे पास हो जाएगा। अब जब इसको देखेंगे हम, x और y के मान, जब y किस गए 0 रखूंगा तो x 5 बच गया, y किस गए 1 रखूंगा तो x 4, y किस गए 2 रखूंगा तो x 3 हमारे पास बच गया। अब यहां से अब हम ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बना के देखते हैं, हमारे पास ये है x, यहाँ पे ये x डैश y और y डैश, ठीक है, नेगेटिव उसमें भी दे रखे हैं। अब x का मान यदि 4 है, y 1, x का मान यहाँ 4 है, y 1, अब यहाँ पे बिल्कुल देखिए पॉइंट आ गया ना, बोर्ड पे समझ नहीं आ रहा था लेकिन यहाँ पे आ जाएगा, x 4 y 1। अब दूसरा x 3 और y 2, x यहाँ 3 है और y क्या है, 2 है, यहाँ x 3 और y 2 हमारे पास। अब x क्या है, 2 y 3, x 2 है और y 3 यहाँ पे आ गया, x 2 और y 3, ठीक है, ये हमारे पास। अब हम इसको बिल्कुल मिला देंगे, ये हमारे पास एक समीकरण आ गया है, ठीक है। और ये कौन सा समीकरण है, हम इसका नाम भी लिख देते हैं, x + y = 5। अब दूसरी में हम देखेंगे, यदि x 5 y 0 यहाँ पे आएगा, x 5 y 0, x 4 y 1 यहाँ पे आ गया हमारे पास, और x 3 y 2 पहले से ही हमारे पास है। अब एक समीकरण हमारे पास ये भी हो गया, क्योंकि यहाँ तक है तो इसको आगे बढ़ाएंगे हम, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा देते हैं इधर,
ठीक है ना। अब ये समीकरण जो मेरे पास आ गया है, ये आया है 2x + 2y बराबर है 10, ठीक है। और ये देखें बिल्कुल दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। ये यदि एक दूसरे के ऊपर ग्राफ आ जाता है तो यहां पे हमारा हल क्या होता है, क्या होता है, अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल, अर्थात रेखाएं संपाती हो गई तो अपरिमित रूप से अनेक हल यहां पे आ गई हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा भाग और देख लेते हैं। चौथे प्रश्न के तीसरे भाग भी संगत है हमारे पास, तो यहाँ पे हम मान निकालेंगे y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 उधर जाके जोड़ का हो गया और घटा का 2x हो गया। अब x का मान हम यहाँ रख देंगे, x का मान यदि मैं 1 रखता हूँ, 2 × 1 = 2, y का मान क्या आ गया 4, और x का मान 2 रखता हूँ, 2 × 2 = 4, 6 × 6 = 4 गए फिर 2 आ गया, और x का मान यदि मैं 3 रखता हूँ, 3 × 6 = 6 गए 0 आ गया। अब इसको हल करते हैं, इसको घटा के 2 से भाग देते हैं, हमारे पास ये घटा का 2x बच गया, ये जोड़ का हो जाएगा, ये भी जोड़ का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ y बराबर ये घटा का 2x उधर आ जाएगा, जोड़ का हो गया, और ये जोड़ वाला उधर जाके घटा का हो गया। घटा के 2 से इसलिए भाग दिया, या y इसको इधर ही रखना था हमें, तो ये जोड़ का बनाने के लिए ही भाग दिया गया, क्योंकि ये सिंगल बच रहा था, ठीक है। अब यहाँ x का मान रखते रहेंगे, x का मान यदि मैं 1 रखता हूँ, 2 × 2, 2 में से 2 गए 0, और x का मान यदि मैं 0 रखता हूँ, 2 × 0 = 0, ये क्या गया -2, यहाँ से x का मान मैं 2 रख दूंगा, 2 × 2 = 4, 4 में से 2 गए 2 हमारे पास। अब ये मान आ गए हैं x और y के, अब इनको हम ग्राफ में रखते हैं। अब ग्राफ में रखने के लिए हमारे पास यहाँ 0 है, ये हमारे पास क्या है x, ये हमारे पास x', ये y, ये y', यहाँ पे मान रखें 1, 2, 3, 4 यहाँ लिख देंगे, इधर -1, -2, -3, -4 जो भी है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब मान रखेंगे x 1 है तो y 4, x 1 है y 4, यहाँ पे 1 और 4, x 2 y 2, ये 2 है, x भी 2 और y भी 2। अब x 3 y 0, यहाँ पे x 3 और y 0 हमारे पास आ गया। अब हम इसको मिला देते हैं, ये देखिए तीनों पॉइंटों को हमने मिला दिया है। अब इस समीकरण का नाम हम रख देंगे 2x + y = 6 = 0, ये हमारे पास यही था यहाँ पे। अब दूसरे में x 1 है तो y 0, x 1 y 0 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया x 1 y 0। अब x 0 है तो y -2, यहाँ पे y -2 है और x क्या है 0, x 0 y -2, और जब x 2 है तो y भी 2 है, x 2 है तो y भी 2 है, यहाँ पे 2 2 पहले ही बना हुआ है। अब जब इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो हमारे पास ये दूसरा ग्राफ आ गया है, और इस ग्राफ का नाम क्या है, इस ग्राफ का समीकरण क्या है, इस ग्राफ का समीकरण है y 4x + 2y + 4 = 0, ठीक है। अब ये कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, जहाँ पे x का मान क्या है 2 और y का भी 2, तो इसका मान हमारे पास आ गया x = 2 और y = 2, x और y दोनों के मान क्या आए हैं 2 2 आए हैं। तो आशा है कि इस ग्राफ पेपर के माध्यम से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।